भाई ये भारी दौड़ गए हैं। ओहो ड्राइवर गिर गया है। ओ पूरी गाड़ियों की बैंड बजा दी, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। देखिए ओ माय गॉड ड्राइवर गिर चुका है। अच्छा ये हुआ है कि उन्हें कुछ लगा नहीं है। बाकी गाड़ियाँ यहाँ से निकल गई है जिसकी वजह से बाइक वगैरह कुछ गिर गई है और वो रोड क्रॉस करके निकल गए। अब देखते क्या होता है। और मेरे भाई गाड़ी का एक चक्का बैंड हो चुका है। देखिए नहीं हो मजबूत है चक्का, नहीं चक्का एक साइड हो चुका है, पूरा टूट गया है। देखते अब इसको सुधारने के बाद में फिर से एक बार रेस कराएंगे। चलो आपको मैं 40 किलो और विट्ठल की रेस दिखाने वाला था, वो दिखाता हूँ मैं। भाई हो गया यार सर सब्सक्राइबर सर सब्सक्राइबर विट्ठल और विट्ठल और 40 किलो ने मतलब 7 सेकंड 89 पॉइंट में क्लियर किया और इसके पहले का जो हाईएस्ट है यहाँ का वो 7 सेकंड 77 पॉइंट है। अगर 7 सेकंड 77 पॉइंट का अगर कोई तोड़ता है तो उसको 2100 रुपये का नगद पुरस्कार है बंटी जी वर्मा जी की तरफ से। देख लियो क्या बना बन दौड़ रहे भाई, गजब। दोस्तों अपन आ गए बैलों की रेस देखने ग्राम बडोरा में, जो बैतूल शहर से बहुत ही सटा हुआ है आठने रोड पर। यहाँ पर बैलों की रेस हो रही है। कुछ इस टाइप से लोग बैलगाड़ी ले जाते हैं और उनमें बैल जोत कर फिर उधर से रेस करवाते हैं। यहाँ हमारे सारे किसान भाई आए हुए हैं। ये रामेश्वर भारती जी द्वारा आयोजित करवाई है पट प्रतियोगिता जिसमें सारे किसान भाई भाग लेते हैं और देखते हैं अपन कि कौन फर्स्ट नंबर पे आता है, कौन कितने नंबर की रेटिंग देता है इसमें। और ये पीच है 350 फीट की, यहाँ पर जो पीच है वो 350 फीट की है, जिसको जो सबसे कम समय में क्रॉस करता है तो वो जीत जाता है। अब देखते हैं कि कौन जीतता है, कौन हारता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। आप एक बार व्यू देख लीजिए कितने भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए अपने किसान भाई, पूरे के पूरे किसान भाई इधर। बहुत ही ज़बरदस्त मजा आने वाला है, देखते हैं अपन फिर क्या होता है। देखते हैं इस कितने सेकंड में कंप्लीट करती है बैल जोड़ी। 8 सेकंड 30 पॉइंट में क्लियर किया अन्य 3.5। बाहर घुस गए। ये हमारो अमन भाई है, इनको औंदे ब्याह करायो है। भाई बहुत ही जबरदस्त दौड़ी है। प्रदीप भैया की बैल जोड़ी है जिसका 8:55 आया, 8 सेकंड 55 पॉइंट आया। पुला की यहाँ पर कमेटी के लोग बैठे हैं, यहाँ पर टिकट कटवाना पड़ता है उसके बाद में, और उसके बाद में एंट्री फीस होने के बाद में आप उधर से रेस कर पाते हो। बहुत बढ़िया। दोस्तों ये यहाँ पर से रेस एक के बाद एक गाड़ियाँ लगी रहती है, एक बैल गाड़ी निकलने के बाद दूसरी लगती है ऐसे। और
अरे भाई गजब ही आया भाई, बहुत गजब हो गया भाई, ये तो पक्का डन है। आठ सेकंड 23 पॉइंट बस भाई, दौड़े तो बहुत ही खतरनाक है, देखते पकवे तो बहुत ही खतरनाक है भाई। ये भी भागे भाई, अब देखो कि छोटा पैक बड़ा धमाका है गाइस, स्टार्टअप पॉइंट है कहीं और से लेने वाले। ये बहुत ही स्टार्टअप हाँ बेटा, ये और जोड़ी ये देखिए, ये जोड़ी आई है हमारे माता, बहुत ही गजब है। सर ले जी भी आज यहाँ पर पट प्रतियोगिता देखने आए हैं, उनके साथ में अपना गोविंद जी आए हैं और अपना अभिषेक भाई। राजा जी आप कुछ बोलना चाहोगे पट वट के बारे में कि कैसा एक्सपीरियंस है, दौड़ रहा है हमारे भारतीय, आपको कैसा मजा आ रही है कि नहीं? बहुत 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 बढ़िया, पहली बार हमारे भडोरा में पट हुआ है जी, इनको बहुत मजा आई यहाँ पर पट देखने में। अभी देखेंगे अपन इनके साथ में पट। भाई बहुत रियली में बहुत स्पीड से निकले, देखो पक्का रिकॉर्ड टूटेंगे ऐसा लग रहा, अभी देखते आठ सेकंड 18 पॉइंट के साथ में स्टार्टअप तो बहुत ही अच्छा लिया था, बहुत ही गजब। बहुत ही बढ़िया रेस करी भाई, ये देख लीजिए बहुत ही जबरदस्त स्टार्टअप लिया, अंड बंड अखंड तरीके से दौड़ा ये, अरे गजब देखो आप कितने सेकंड में क्लियर करो पता चले, पूरी जॉब कर दियो ना आप। 9 सेकंड 62 पॉइंट बैलगाड़ी आ गई जो कि यहाँ पर, देखते किधर साइड आएंगे ये कितना बना पाएंगे, बहुत ही अच्छी सेकंड में क्लियर कर पाते हैं। आठ सेकंड 49 पॉइंट क्लियर किया है इस बेल जोड़ी ने, लगे एक और जोड़ी अबे देखना ये भी कहीं इधर ही ना दौड़ जाए, यानी पब्लिक होने की वजह से कई बार बैल डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, बट उनको कंट्रोल करने के लिए लोग आते हैं। अब थोड़ा पब्लिक को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए इस चीज़ के लिए कि मतलब भीड़ सामने में खड़े ना हो, जिसकी वजह से जो गाड़ी दौड़ाता है उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत रिस्की चीज़ है, कई बार बैल आउट ऑफ लाइन चल जाता है। ये देख लीजिए आठ सेकंड 18 पॉइंट के साथ में आठ पहले बोला
ओहो आउट ऑफ लाइन चलेगी गाइस ये। अबे ये अच्छी गई है भाई, बहुत ही जबरदस्त। 8 सेकंड 66 पॉइंट। अरे रे भाई, अरे जोड़ी आई है हमारे सुगर माधव की, 8 सेकंड 21 पॉइंट निकाल दीजिए। अरे भैया, अरे भैया अब तो गए। अरे भैया भैया अबे इधर ही आ रहे रे, बहुत ही जबरदस्त भाग रहे भाई ये बैल। पता नहीं कितने में कर पाते क्लियर। 7 सेकंड 77 पॉइंट। इसमें सबसे पुराने हमारे जो है परम आदरणीय आमिर पहलवान जी, ये कम से कम मेरे ख्याल से 50 साल से भी ऊपर से पट खेल रहे हैं। पट में घाटा कैसे लगता, दारू पीने से, जुआ खेलने से, रंडीबाजी करने से, हम ये चीजों से हमको भगवान ने बचाया। राम प्रसाद भैया यहाँ मौजूद है। दूसरी बात ये, एक छोटा सा जात होकर मेरे जात का नाम मैंने पूरे भारत में चमकाया, पूरे भारत के कबड्डी खिलाड़ी मेरे पहचान थे। और मैं एक लोकसभा का 91 चुनाव लड़ा, 2 बार बड़गांव से विधानसभा का लड़ा, 1 बार अमरावती से लड़ा, 1 बार 2000 वोट से गिरा, बाकी 4 बार में गिर चुका। 3.5 करोड़ रुपए जमा बैठा, वो मेरे नहीं थे। और मैंने गडकरी जी से 3 बार मुलाकात किया, जोड़ी के पद को भी मान्यता नहीं दे रहे महाराष्ट्र की, एमपी में चालू है, कर्नाटक में चालू है, पंजाब में, सब जगह। लेकिन हमारे महाराष्ट्र इतने नाराज है कि हमको परमिशन नहीं दे रहे। तो मैंने गडकरी जी को कहा कि भाई हमारे पंतप्रधान को समझा कर हमारे पद की परमिशन दिलाओ। हमारे काश्तकार भाई जो 10-12 महीने से बैठे हैं, कई लोग मर गए, आप बीच बचाव करके ये मसले को हल करो। लेकिन अभी तक के नहीं करे, ये हमारे दुख के साथ कहना पड़ता, तो बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता। तो गाइस बैलों की रेस खत्म हो चुकी है, फाइनली पूरी शाम हो चुकी है और यहाँ पर पुरस्कार वितरण चल रहा है। और इसमें होशंगाबाद के बाबाई से जो बैलगाड़ी थी उसने हाई स्कोर दिया था और वही विनर है आज के। यहाँ पर 7.77 का हाई स्कोर था, 350 फीट की पिच थी, उसको 7.77 में कवर किया था। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, किसान भाइयों के साथ आज का मेरा दिन बहुत ही अच्छा रहा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो में कैसा लगा, आपको मज़ा आया कि नहीं आया। मुझे तो बहुत मज़ा आया। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टिल देन।